मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ। बेसिकली पहले क्या होता था कम्युनिकेशन में, अपन उसको देखते हैं। तो सपोज करो यहाँ से अपन डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। रिसीवर क्या है? आपके मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, या आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, जिसमें भी क्या लगा हुआ, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड लगा हुआ, NIC जिसमें भी लगा हुआ है, वो सभी क्या हो सकते हैं, आपके रिसीवर हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, आपके मोबाइल कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके रिसीवर है। ट्रांसमीटर होते हैं BTS, BTS पता है ना यस सर, आपको, बेस यस सर, ट्रांसमिटिंग सिस्टम जो होता है आपका, है ना, यस BTS। सर, जो अगर आपको सेलुलर कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो ये बेस स्टेशन होता है, बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन हो गया। और आपको वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं तो इसी को बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस एक्सेस पॉइंट यस बोलो सर, या BTS बोलो, जो टावर लगे होते हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन है तो टावर के थ्रू होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन है तो वो आपका मॉडेम वॉडेम के थ्रू होगा। ठीक है, ओके सर, जो आपका घर में वाईफाई वाला मॉडेम लगाते हैं उसके थ्रू। तो ये आपके ट्रांसमिटिंग स्टेशन है। यहाँ से पहले, इसके पहले एक एंटीना होता था और एक रिसीविंग एंटीना होता था। डाटा जो है इस एंटीना से इस एंटीना पे बस सीधे सीधे ट्रांसमिट कर दिया जाता था। इसको बोलते थे सीसो, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। सीसो में क्या होता है कि ये एक ही चैनल होता था, एक यूज़र के लिए एक ही चैनल होता था और उस पर डाटा भेजते थे। फिर क्या हुआ कि भाई डाटा कम जा पाता था, क्योंकि एक ही चैनल से भेज रहे हैं तो डाटा की स्पीड क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। कि भाई अगर मुझे सपोज करो कि 8 सिंबल भेजने हैं, तो 8 सिंबल के लिए मुझे क्या है, 8 टाइम स्लॉट लग जा रहे थे, क्योंकि एक बार में एक ही चैनल है तो एक ही डाटा जा पा रहा था, है ना। फिर यस सीसो में इन लोगों ने अलग अलग टेक्निक यूज़ करी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके अलग अलग टेक्निक यूज़ करी, और कुछ हद तक यहाँ पे कुछ कुछ मल्टीप्लेक्सिंग किया। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब एक एक यूज़र को एक एक टाइम स्लॉट दे देते थे और उसमें डाटा ट्रांसमिट करते थे। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब एक एक यूज़र के लिए एक एक फ्रिक्वेंसी अलग अलग देते थे और उसको अलग अलग मॉड्यूलेट करके भेजते थे। पर फिर भी इसमें डाटा कम्युनिकेशन क्या होता था, स्लो होता था। ठीक है, तो इसके बाद में जो टेक्नोलॉजी आई वो आई आपकी माइमो। तो माइमो में क्या होता है अपन ये समझते हैं। तो माइमो जो अब तक था 4G तक, उसमें 4x4 के एंटीना लगे हुए हैं। ठीक है, या आपका BTS जो है या एक्सेस पॉइंट जो है वहाँ पे, वहाँ से आपके रिसीवर के बीच में कितने एंटीना लगे हुए हैं, 4 एंटीनास लगे हुए हैं। ओके, तो ये जो यस फोर सर, एंटीना है, अब ये पहले ये आप ये अपने एक मोबाइल में एक ही एंटीना होता है ना, तो ये सपोज करो कोई मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप है या टैबलेट है, ठीक है, उन सब में अपना अपना एक एंटीना है। तो इस पर्टिकुलर सपोज करो ये वाले को पर्टिकुलर की बात करें, तो इसको डाटा भेजना है। तो होता है क्या कि BTS और AP में एक्सेस पॉइंट पर 4 है, तो इसको जो डाटा है ना वो इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, एक ही टाइम पर, किसी ओके टाइम सर, T1 पर इसको इन चारों से डाटा मिलेगा। ठीक है, यस सर, सारे किसी टाइम फोर्स T, करेंगे उसको, हाँ, तो इससे क्या होगा कि आपके 4 सिम्बॉल है, मतलब एक सिम्बॉल सपोज करो ये 101 भेज रहा था, ये 111 भेज रहा था, ये 001 भेज रहा था, ठीक है, या ये यस सर, 110 भेज रहा था। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग सिम्बॉल थे, वो चारों इसको मिल गए। तो क्या हो गया, इसकी इसके पास में रिसीविंग जो है एक बार में 4 सिम्बॉल रिसीव हो पा रहे ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। यस सर, फिर उसी अगले जो टाइम स्लॉट पे T2 पर, अगला जो टाइम स्लॉट है T2, ठीक है, तो यस सर, T2 पर ये इसको भेज रहा है, ये भी इसको भेज रहा है, ये भी इसको भेज रहा है, ये भी इसको भेज रहे हैं। ठीक है, फिर अगले टाइम स्लॉट पर इस पे आ जाएंगे, यस सर, फिर अगले टाइम स्लॉट पर आपके इस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जब कम्युनिकेशन होगा तो इसको बोलते हैं अपन माइमो। क्यों? क्योंकि ओके मल्टीपल इनपुट है और मल्टीपल आउटपुट है। आउटपुट, आउटपुट कौन है? ये आउटपुट है यस सर, और ये कौन है? अपने इनपुट है। ठीक है, तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो अपना T1, T2, T3, T4,
T4, चार टाइम स्लॉट में, ठीक है, चार टाइम स्लॉट में अपन ने सभी चारों को, 1 2 3 4 डिवाइसेस को फोर सिंबल ट्रांसमिट कर दिए। तो फोर सिंबल, अरे सर एक डाउट था, ये जो BTS है वो आउटपुट कैसे, वो तो इनपुट होना चाहिए क्योंकि वही भेज रहा है सिग्नल। तो भाई भेजने वाला आउटपुट होता है कि इनपुट होता है? सर हम इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट कहाँ दे रहे हैं अपन उसको? अच्छा देखो जिससे जा रहा है डाटा वो आउटपुट होता है। यस सर ओके, रिसीवर है वो। ओके सर, हाँ एंटीना जो ट्रांसमिटर है वो आउटपुट ही होता है, रिसीवर इनपुट होता है। ओके यस सर। चलो अब यहाँ पे एक और अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका माइमो में। माइमो तो तुम्हें समझ में आ गया, माइमो का अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है रैंक, रैंक ऑफ माइमो। ठीक है, तो रैंक जो होती है वो क्या होती है, अगर हमने फोर सिंबल फोर टाइम स्लॉट में भेज दिए, यहाँ पे ये जो कंडीशन थी इसमें फोर सिंबल फोर टाइम स्लॉट में अगर भेज दिए, ठीक है, तो क्या होगा, रैंक वन हो जाएगी क्योंकि फोर से फोर वन कट जाएगा, रैंक क्या आएगी, वन। तो ये वन है रैंक, पर ये अचीव करना इतना सिंपल भी नहीं है। अभी अपन ने एक्सप्लेन तो कर दिया है कि माइमो का ये कॉन्सेप्ट है, बट ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे होता है, इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, तो ये माइमो में जैसा कम्युनिकेशन बताया कि फोर टाइम सिंबल को फोर टाइम स्लॉट में अगर अपन कम्युनिकेट कर दें तो इट विल बी अ रैंक वन। रैंक वन इज कंसिडर एज अ वेरी गुड क्योंकि इसमें हमारा टाइम खराब नहीं हो रहा है। पर इधर एक इशू आता है, वो ये आता है कि फोर टाइम्स फोर सिंबल को फोर टाइम स्लॉट में भेजने पर इंटर कैरियर इंटरफेरेंस आ जाता है और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो सिग्नल है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इसके कारण से क्या जाता है, इंटर कैरियर इंटरफेरेंस और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। अब देखो ICI क्या होता है, कैरियर मतलब जिस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में भेज रहा हूँ, है ना, मतलब जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो एक कैरियर सिग्नल होता है ना, तो दो कैरियर फ्रिक्वेंसीज अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, ठीक है, या एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस भी कर जाती है, थोड़ा सा भी ओवरलैप कर जाती है, तो ICI आ जाता है, इंटर कैरियर इंटरफेरेंस। और दो सिंबल एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, मिक्स अगर हो जाते हैं तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आ जाता है। यस सर। तो ICI और ISI आ जाते हैं इस कंडीशन में माइमो में, है ना। तो ये करने के लिए कॉन्सेप्चुअल तो बहुत अच्छा था, बट माइमो में ये इश्यूज थे ICI के और ISI के। ठीक है, तो ये इश्यूज को सॉल्व कैसे करें, है ना, ये तो आइडिया था कि इस तरीके से अगर करेंगे तो कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, है ना, एक एक डिवाइस को एक ही टाइम में चार चार सिंबल मिल जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा था, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए आया OFDM। क्या आया? OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है अपन ये देखते हैं। तो पहले देखो, दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये सपोज करो आपका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और ये मैंने एक सिंबल भेजा, एक कोई फ्रिक्वेंसी F1, है ना, मेरे पास अगर चार सिंबल थे तो मैंने एक F1 पे भेजा, दूसरा सिंबल को अपन ने F2 पे भेजा, तीसरे सिंबल को अपन ने F3 पे भेजा और चौथे सिंबल को अपन ने F4 पे भेजा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने चार सिंबल जो थे हमारे पास, सपोज करो चार सिंबल थे डाटा के, चार सिंबल को F1 F2 F3 F4 पे भेज दिया, तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बैंडविड्थ यूज़ हो गया, ये बैंडविड्थ है। Yes, sir. इतना बैंडविड्थ मेरा यूज हो गया, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं कर रहे क्योंकि ये F1 से F2 में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, तो F1 जहाँ पे एंड हो रहा है और F2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं गार्ड बैंड। क्या बोलते हैं? गार्ड बैंड। ठीक है, गार्ड बैंड क्या होता है कि अगर ये F1 कम्युनिकेशन के दौरान थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाए, है ना, या F2 आगे पीछे भी हो जाए तो वो इस गार्ड बैंड की रेंज में जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये था आपका फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। ये कॉन्सेप्ट क्या था? फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के, भाई फ्रिक्वेंसी का अपने पास इतना बैंडविड्थ है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का बैंडविड्थ अगर अपने पास अवेलेबल है इतना,
तो अपन चार सिंबल को अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर डाल देंगे। अब सपोज करो मेरे पास चार नहीं आठ सिंबल हैं, तो ठीक है मैं बीच बीच में और लगा दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा, पर आठ की जगह 16 सिंबल होंगे तो क्या मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, है ना, इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतनी बैंडविड्थ है, अगर मेरे पास 16 सिंबल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बैंडविड्थ लेनी पड़ेगी, इतनी बैंडविड्थ में मैं कर ही नहीं पा रहा, मुझे बैंडविड्थ ज़्यादा लेनी पड़ेगी, है ना, तो वहाँ पे हाँ वेस्टेज होगा। हाँ नहीं, बैंडविड्थ खरीदना पड़ती है, बैंडविड्थ लाइसेंस होते हैं ना जो 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाले सब यही थे। ठीक है, तो बैंडविड्थ मैंने इतनी जितनी खरीदी उतने पे मेरे पास एक लिमिटेशन होगी। अब मेरे कस्टमर सपोज करो मैं तो रिलायंस वाला हूँ, है ना, मेरे कस्टमर बढ़ गए थे, मैं तो बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए ना, अब मेरे पास तो उतनी ही लिमिटेड बैंडविड्थ है जितनी मैंने परचेस करी है, था बैंडविड्थ खरीदो ये करो बहुत सारे नाटक होते हैं। तो फिर अब क्या होगा कि भाई या तो फिर दो ऑप्शन है, या तो मैं डाटा स्लो भेजूँ कि एक बार में चार आठ ही सिम्बॉल भेजूँ, आठ तक भेज पा रहा हूँ या चार ही सिम्बॉल भेज पा रहा हूँ, है ना, फिर अगले चार सिंबल अगले टाइम में भेजूँ तो एक टाइम पे मैं उतने भेज पा रहा हूँ, मतलब स्पीड कम हो जाएगी, मेरे पास बैंडविड्थ कम है तो स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद में अच्छा अगर ये सिंबल एक सिंबल यह है और दूसरा सिंबल ऐसा भी हो जाएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे और इसके कारण से क्या आ जाएगा, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। और अगर ये फ्रिक्वेंसीज जो है ना, मतलब एक सिंबल ये है और एक सिंबल यहाँ पे, तो फ्रिक्वेंसीज भी एक दूसरे के ऊपर अवेलेब हो जाएगी तो इंटर कैरियर इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो अगर ये सिंबल केवल इंटर वो कर रहे हैं तो इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आता है, फ्रिक्वेंसी भी एक दूसरे के ऊपर अवेलेब होगी तो इंटर कैरियर इंटरफेरेंस आ जाता है। तो बेसिकली ये इशूज आ जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन बस पहले ये था कि आप स्पीड कम कर दो बस, पर अब तो आजकल तो यूजर की रिक्वायरमेंट है स्पीड, हमें तो फास्ट कम्युनिकेशन करना है, वीडियो कॉल करते हैं हम लोग बिल्कुल रियल टाइम में होना चाहिए, सब कुछ रियल टाइम में होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो आया OFDM का। ठीक है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो किसका आया, OFDM। OFDM में सपोज करो यही हमारी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, बट OFDM ने क्या बोला कि मेरा पहला सिंबल भेजो, ठीक है, फिर उसने दूसरा सिंबल भेजा, फिर उसने तीसरा सिंबल भेजा, फिर उसने चौथा सिंबल भेजा, इतनी सी बैंडविड्थ में ही चार सिंबल भेज दिए। yes, तो अभी यहाँ तक में तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे ना, यहाँ इतना तो मेरे पास फिर भी बच गया, तो इतने में मैं और चार सिंबल भेज दूंगा, पर यहाँ पे तो बोल रहे हैं यार कि तुमने अपने को इशू यह था कि ओवरलैपिंग नहीं करना है, बट जैसे ही मैंने OFDM बोला तो यहाँ तो भयंकर ओवरलैपिंग कर रहा हूँ मैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर डाल रहा हूँ पूरा। Yes, तो यहाँ पे इंटर कैरियर इंटरफेरेंस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। yes, है ना, तो जो प्रॉब्लम थे वो तो अभी भी बने रहेंगे, पर यहाँ पे इसने बोला कि भाई आप कर दो ओवरलैप, बट ओवरलैपिंग की कंडीशन है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। तो अगर सिंबल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो भी रहे हैं पर सिंबल एक दूसरे के साथ में क्या है, ऑर्थोगोनल है, मतलब सिंबल जिस फ्रिक्वेंसी में मॉड्यूलेट हुए हैं उस फ्रिक्वेंसी पे कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो वो एक दूसरे के साथ में क्या है, अगर ऑर्थोगोनल है तो वो ओवरलैप होते हुए भी इंटर कैरियर इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, उनमें नेगलेक्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी ने प्रूफ किया, अलामोटी करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रूफ किया कि अगर सिंबल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर भी दो फिर भी वो एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, उसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, और वो क्या कंडीशन होती है कि सिंबल शुड बी ऑर्थोगोनल टू इच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट जब आया तो इससे बहुत सारी बैंडविड्थ बच गई, है ना, इस कॉन्सेप्ट से क्या हो गया कि बैंडविड्थ बच गई। इसने बोला कि सिंबल ओवरलैप कर भी दो इंटर कैरियर इंटरफेरेंस एक स्पेसिफिक उस कंडीशन में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब इसके कारण से क्या हुआ कि अपने पास बहुत सारी बैंडविड्थ बच गई, इतनी बैंडविड्थ बच गई तो इतनी बैंडविड्थ में अपन बहुत सारे सिंबल ट्रांसमिट कर देंगे, है ना। जब बहुत सारे सिंबल अगर ट्रांसमिट कर दोगे तो आपके पास में वो जो माइमो का कॉन्सेप्ट था वो फिजिबल भी हो जाएगा, आप मल्टीपल सिंबल को एक ही टाइम स्लॉट में भेजने लगोगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? यस सर, ये OFDM क्लियर हो गया। तो ये है आपका OFDM।
ठीक है, यस ये सर, क्या है आपका OFDM, और OFDM जैसे ही कॉन्सेप्ट आया इसी कारण से हम MIMO कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, और इसी कारण से 4G आया था दुनिया में। ठीक है, 4G जो है उसका मेन रीज़न यही था कि MIMO कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया था और आपका OFDM इम्प्लीमेंट हो गया था। पर इसकी भी कंडीशन है ना, ऑर्थोगोनल करना इज नॉट डेट सिंपल, उतना भी सिंपल नहीं होता है ना। यस सर, उसके अंदर एक होता है एनकोडर, जिसको बोलते हैं STBC एनकोडर, स्पेस टाइम ब्लॉक कोडिंग। ये जो स्पेस टाइम ब्लॉक कोडिंग है ये करनी पड़ती है इंटरनली, जिसके कारण जो सिंबल एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं, ऑर्थोगोनल हो जाते हैं, और एक दूसरे को अवरलैप होते हुए भी एक दूसरे के साथ में इंटर कैरियर इंटरफेरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो ये सब रिसर्च के मैटर हैं, STBC, और इस पे सब अपन वर्क कर सकते हैं। इन्हीं में से एक टेक्निक अपन ने अपने इसमें भी यूज करने वाले हैं, जिससे वो ऑर्थोगोनलिटी मेंटेन रखना है अपने को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 4G, OFDM, MIMO। ओके, MIMO में इसको बंद कर देना इसे पंखे। MIMO में अगली जो चीज है, अब आते कॉन्सेप्ट। OFDM समझ में आ गया, MIMO समझ में आ गया, अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो MIMO में ये जो अपन चार एंटीना यूज कर रहे थे, ठीक है, और रिसीविंग एंड पे भी अपने पास में चार एंटीना थे, तो अभी अपने को क्या देखना है कि भाई अपन को कम्युनिकेशन करना है। तो दो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में मैंने क्या बताया था कि भाई सिंबॉल 1, सिंबॉल 2, सिंबॉल 3 और सिंबॉल 4, चार सिंबॉल है और चारों अलग अलग जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर को एक बार में चारों मिल जाएंगे, है ना। इससे क्या बढ़ता है, थ्रूपुट बढ़ता है। क्या बढ़ता है, थ्रूपुट बढ़ जाता है, मतलब थ्रूपुट मतलब स्पीड बढ़ जाती है, कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, पर इसके बारे में थ्रूपुट तो बढ़ा के कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ गई, बट रिलायबिलिटी नहीं बढ़ती इसमें। तो एक और कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट ये बोला कि अगर आपको रिलायबल कम्युनिकेशन करना है, मतलब आप नहीं चाहते कि आपका डाटा कभी भी लॉस हो, ठीक है, यस सर, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया, उसको बोलते हैं अपन डाइवर्सिटी। अगला कॉन्सेप्ट क्या था है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या बोलता है, डाइवर्सिटी ये बोलता है कि अगर मैं डाटा को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप ये जो चार एंटीना है ना, वो चारों एंटीना से एक ही सिंबल भेजता है, S1 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 S1। ठीक है, तो अगर चारों एंटीना से मैं एक ही सिंबल भेज रहा हूँ, ठीक है, और ड्यू टू सम रीजन, है ना, किसी एक चैनल से या दो चैनल से या तीन चैनल से डाटा लॉस हो गया, तब भी एट एनी कॉस्ट आपका एक बार एक डाटा तो इसको मिल ही जाएगा, है ना। ऐसा तो किसी बहुत, ना किसी एक को तो मिल ही जाएगा। हाँ, किसी न किसी एक एंटीना का डाटा तो इसको रिसीव हो ही जाएगा, है ना। तो ये होता है डाइवर्सिटी, इससे रिलायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इससे क्या बढ़ती है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, बट इससे थ्रूपुट बिल्कुल नहीं बढ़ता, है ना। ये तो सीसो जैसे ही हो जाता है, बट इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर आपको रिलायबल कम्युनिकेशन करना है, तो एक ही डाटा को एक एंटीना से ना करते हुए दो या तीन या चार एंटीना से कर दो, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो रिसीविंग है, रिसीवर को वर्स्ट केस में भी डाटा मिल ही जाएगा, है ना। वैसे तो नॉर्मली ऐसा ब्रेक होता नहीं है ना, वो चारों से ही रिसीव करता है, ठीक है, बट इसके अंदर, अच्छा, हर एक जो डिवाइसेस होते हैं इनके अंदर क्या लगे होते हैं, DSP लगे होते हैं। DSP मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, वो इंटरप्रेट करता है कि सिंबल एक बार आया कि दो बार आया कि तीन बार आया कि चार बार आया, वो इंटरनली इंटरप्रेट कर लेता है। ठीक है, तो सर, डाइवर्सिटी समझ में आ गई, डाइवर्सिटी से क्या बढ़ता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, मल्टीप्लिकेशन से क्या बढ़ता है, थ्रूपुट बढ़ता है। अब अगला जो आया है कॉन्सेप्ट, वो आया मल्टी फंक्शन MIMO। अगला कॉन्सेप्ट क्या आया, मल्टी फंक्शन MIMO। मल्टी फंक्शन MIMO क्या बोल रहा है, मल्टी फंक्शन MIMO ये बोल रहा है कि भाई आप ऐसा करो, चार एंटीना थे, दो एंटीना से S1 भेज दो, दो एंटीना से S2 भेज दो, तो इसमें भी रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। डाइवर्सिटी के लिए अपने एक की जगह दो से भेज दिए, तो यस इसमें सर, अपने को डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी मिल गया और मल्टीप्लेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट मिल गया। यस तो जब अपन दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं, डाइवर्सिटी और मल्टीप्लेक्सिंग को, तो इसको बोलते हैं मल्टी फंक्शन MIMO। यस सर, ठीक है, तो रैंक समझ में आ गया, मल्टी फंक्शन MIMO समझ में आ गया, MIMO समझ में आ गया, मल्टीप्लेक्सिंग,
एंड डाइवर्सिटी हमने देख ली, ठीक है। यस सर। अगला आता है बीम फॉर्मिंग। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है? बीम फॉर्मिंग। तो बीम फॉर्मिंग को अपन देखते हैं। तो अगर मेरे पास में ये एंटीनास है, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे कोई रिसीवर है, सपोज कर अभी तो एक ही रिसीवर की बात करते हैं, बहुत सारे रिसीवर हो सकते हैं, एक रिसीवर की बात करें, तो अगर चार एंटीना, इससे भी सिग्नल आ रहा है, 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 चार एंटीना से आ रहा है, तो इसमें जो बीम होगी वो कितने एंटीना के कारण से होगी? 4 एंटीना के कारण से कम्युनिकेशन बीम बनेगी, ठीक है। तो ये बीम फॉर्मिंग कुछ नहीं है, बीम फॉर्मिंग मतलब कि अगर हम नंबर ऑफ एंटीना बढ़ाते हैं, चार है, चार की जगह अगर 5 कर दूंगा तो 5 के कारण से बनेगी, 6 कर दूंगा तो 6 के कारण से बनेगी। तो जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ एंटीनास बढ़ाते जाएंगे, जो बीम होगी वो नैरो होती जाएगी, क्या होती जाएगी? नैरो, है ना, और फोकस्ड होती जाएगी, क्योंकि उसमें सिग्नल ज्यादा मिक्स हो गए, जितने ज्यादा सिग्नल मिक्स होंगे वो बीम कितनी क्या हो जाएगी? और नेरो हो जाएगी। तो बीम अगर नेरो होगी तो आपको लॉन्ग रेंज मिलेगी, क्या मिलेगी? लॉन्ग रेंज। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है कि अगर आप नंबर ऑफ एंटेनास का बढ़ाओगे तो आपको नेरो बीम मिलेगी, नेरो बीम मिलेगी तो आपका रेंज क्या हो जाएगा? लॉन्ग रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बीम फॉर्मिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटेनास, ठीक है। एंटीना बढ़ाओ, नेरो बीम बनेगा, नेरो बीम बनेगा तो लॉन्ग रेंज मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी अपने को आ गया। अब बस इतना इसमें इतना ही याद रखना है कि बीम फॉर्मिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ एंटीनास। एंटीना बढ़ाओगे बीम ज्यादा नेरो बनेगा, नेरो बीम मतलब हाई गेन मतलब लॉन्ग रेंज, ठीक है। और अगर रेंज बढ़ती है तो स्पेक्ट्रल इफिशियंसी भी अपनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। स्पेक्ट्रल इफिशियंसी मतलब जो आपकी रेंज जो होता है वो स्पेक्ट्रल इफिशियंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब आपके स्पेक्ट्रम की इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे बस एंटीना बढ़ाना पड़ता है जिससे कॉस्टिंग बढ़ती है, ठीक है। चलो अब अगले बार में जो ये तो हो गया माइमो खत्म, अपना माइमो का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब अपन आते हैं अगला जो माइमो का अगला जो वर्जन आया था जिसको अपन बोलते हैं 5G, वो होता है MU माइमो। और MU माइमो का ही एडवांस वर्जन है मैसिव माइमो। ठीक है, इसका एडवांस वर्जन है। तो पहले अपन समझे कि भाई MU माइमो का है, तभी तो अपन मैसिव माइमो समझेंगे, है ना। तो अब माइमो को अपन फिर से रिकॉल करते हैं। ये अपना सपोज करो ये ट्रांसमीटर थे और ये रिसीवर थे, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा था? 1 2 3 4, चार सिंबल मेरे इसके पहली बार में किसको भेजे? पहले टाइम स्लॉट में मैंने पहले वाले को भेजे, ठीक है। फिर T2 पर अपन ने अगले चार सिंबल लिए और इसको भेज दिए दूसरे वाले को, ठीक है। फिर T3 पर अपन ने क्या किया? नेक्स्ट 4 सिंबल उठाए और इसको भेज दिए। फिर T4 पर अपन ने फिर अगले चार सिंबल उठाए और इसको भेज दिए, इसको। ये तो हो गया माइमो। तो यहाँ पे चार टाइम स्लॉट में इस पर्टिकुलर M1 को कितने सिंबल मिले? चार ही मिले। इसको भी चार मिले, M2 को भी, डिवाइस नंबर 2 को भी, डिवाइस नंबर 3 को भी चार मिले, डिवाइस नंबर 4 को भी चार मिले। फिर T5 पर फिर से इसमें आएगा, ठीक है। तो इसको T1 पे मिल रहा है, T2 पे, T3 और T4 पे इसको सिंबल ही नहीं मिल रहा है ना।
यस तो सर, टी वन जो अपना टाइम था इस पे भले इसको चारों सिंबल मिल गए, मतलब अगले चार कब मिलेंगे? टी टू, टी थ्री और टी फोर के बाद में मिलेंगे। मतलब यस अपन यस ये बोल सकते हैं कि सर, चार सिंबल जो है वो चार टाइम स्लॉट में मिल रहे थे, फिर ओके सर, अगले चार टाइम स्लॉट में फिर से चार मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो थे रैंक वन आ रही थी, ये आपका क्या था? माइमो था। ये तो अपने को आ गया। तो ये टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर। अब मेसिव माइमो, सॉरी मल्टी यूजर माइमो क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर माइमो ये बोलता है कि अगर आपके पास ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, ठीक है, तो इस एंटीना से जब अपन इस पर्टिकुलर डिवाइस एम सी है ना, एक मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये लैपटॉप हो गया, टेबलेट हो गया, ठीक है, यस सर, एक दो तीन चार, तो ये क्या बोल रहा है कि आपने जो बीटीएस है, यहां से जब अपन ने इसको सिंबल भेज रहे हैं एक टाइम पर, टी वन पर, यस सर, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, इन पे तो भेज नहीं रहे थे पहले यस माइमो में, यस, बट मल्टी यूजर माइमो क्या बोलता है कि उसी टाइम पर अगर इनसे भी भेज दें और उसी टाइम पर, सेम टाइम पर ये इसको भी भेज दें और उसी टाइम पर अगर ये, और कौन सा कर देते इसको भी भेज दें, तो एक ही टाइम पर अगर हमारे चारों यूजर को डाटा मिल जाए, एक ही टाइम पे अगर हमारे चारों यूजर को डाटा मिल जाए, ठीक यस है, सर, तो क्या होगा? अपना रेट हाँ बढ़ सर, जाएगा, क्योंकि यस सर, फिर रैंक अगले बढ़ टी टू जाएगा, पर इसको फिर से चार सिंबल मिलेंगे, टी थ्री यस पर इसको फिर से चार सिंबल मिलेंगे। जो पहले क्या हो रहा था कि इसको टी वन पे मिल रहा था, फिर टी टू, टी थ्री, टी फोर पे नहीं मिल रहा था, फिर टी फाइव पे मिल रहा यस था, सर, यस सर, अभी क्या है, इसको टी वन पे भी मिल रहा है, टी टू पे भी मिल रहा है, टी थ्री पे भी मिल रहा है, टी फोर पे मिल रहा था। इसका बोलते हैं मल्टी यूजर माइमो। पर यहाँ पे यस दिक्कत ये है कि भाई चैनल तो हमारा एक ही होता है ना, यस सर, तो कैसे कर रहे हैं ये? मतलब भाई अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो ये आया कि एंटीना तो मेरा एक ही है, जी ये मेरा एंटीना तो एक ही है, तो इसको भेजेगा कि इसको भेजेगा कि इसको भेजेगा कि इसको भेजेगा। मल्टी यूजर माइमो तो ये बोल रहा है कि चारों को भेज देगा, इसको अलग भेजेगा, इसको कुछ भेजेगा, ऐसा थोड़ी ना कि सबको एक ही डाटा चाहिए, वही सबको एक डेटा ही डाटा सेम थोड़ी ना है, चाहिए, सबको तो अलग अलग चाहिए, तो यस सर, एक ही एंटीना से मैं चारों को कैसे भेज दूं, है ना? पहले यस सर, माइमो में तो ठीक है भाई, एक बार में वो एक ही जगह भेज रहा था, एक एंटीना एक ही जगह भेज रहा था, बट मल्टी यूजर इंटरफेरेंस माइमो बोल रहा है कि चार जगह भेजो। तो यस इसके लिए जो सर, आता है कॉन्सेप्ट, वो आता है आपका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड में इसका नाम बता रहा हूँ, मैं भूल गया, यस सर, रेडिएटर, है ना? मतलब ये जो एंटीना है इसमें एक की जगह चार रेडिएटर अगर हम बना देते हैं, कितने बना देते हैं? चार फोर रेडिएटर, रेडिएटर, मतलब ये जो एंटीना है वो फोर रेडिएशंस कर सकता है, फोर अलग अलग रेडिएशन कर सकेगा। तो ओके अगर सर, मैंने एंटीना को कुछ इस टाइप से बनाया है, डिजाइन किया है कि वो एक रेडिएशन ना करते हुए एक टाइम में चार अलग अलग रेडिएशंस कर दे, ठीक है, तो हमारे लिए एमयू माइमो का कॉन्सेप्ट फिजिबल हो जाएगा। यस ठीक है, सर, तो ये चार रेडिएशन कैसे करता है? चार रेडिएशन करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपका जो 360 डिग्री होता है पूरा पाथ, है ना, तो इसके चार कर देता है, मतलब चार सिग्न, ये जो एक एंटीना है एक ही टाइम पर चार सिग्नल भेजता है 90 90 के फेज डिफरेंस पे। कितने कितने के फेज डिफरेंस पे भेजता है? 90 90 90 के90 फेस के पे, फेज डिफरेंस में चार सिग्नल को भेज देता है, चार अलग अलग ओके सिंबल सर, को। तो या बोलो कि इसके अंदर फिजिकली चार रेडिएटर कॉन्फिगर कर देते हैं जो एक दूसरे के साथ में 90 90 के डिग्री पर कम्युनिकेट करते हैं। इस कारण से हमारा एमयू माइमो का कॉन्सेप्ट आ रहा है और इसी कारण से 5G आया है। ठीक है, ओके सर, 5G के लिए मोबाइल फोन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5G के लिए चेंज किस में हो रहे हैं? डिटेल्स में, बीटीएस में, ठीक है, मोबाइल फोन में जो है ये जो आपका एंटीना है
उसमें माइनस से चेंजेस होंगे ना 5G मोबाइल में, और वो क्या होगा कि पहले एंटीना को आदत थी कि एक टाइम स्लॉट में एक सिंबल मिलता था, उसके बाद में फिर 4 टाइम स्लॉट के बाद मिलता था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर एक टाइम स्लॉट में अपने को सिंबल मिलेगा, T1 पे भी मिलेगा, T2 पे मिलेगा, T3 पे भी मिलेगा, T4 पे भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा माइनस मॉडिफिकेशन होंगे इसमें आपके मोबाइल वगैरह फोन में, बट मेन चेंजेस किस में होंगे, BTS वगैरह में। बात समझ में आ गई 5G का, ये यस होता है मल्टी यूजर माइमो। ओके, तो यस यहाँ पे मेन जो काम है वो रेडिएटर्स के हैं, रेडिएटर्स आपने बढ़ा दिए, ठीक है। यस रेडिएटर जो है वो आपस में बढ़ा दिए, ठीक है। अब अगर रेडिएटर अपन ने यहाँ पे 4 रखे थे, ठीक है, अब अगर मैं रेडिएटर को, ये तो माई MU माइमो है, अब मेसिव माइमो क्या, मेसिव माइमो MU माइमो का बस एक्सटेंशन है। यस मतलब जब आपके पास में 8 या 8 से ज़्यादा एंटीना होंगे, 8 या 8 से ज़्यादा, मतलब ये तो 4 है ना, अगर 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 8 या 8 से ज़्यादा अगर आप करोगे सिग्नल को ट्रांसमिट, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मैसिव माइमो। तो ये क्या हो जाता है, मल्टी यूजर माइमो से भी फास्ट। बट ये अचीव करने के लिए देखो, एक एंटीना 4 जगह भेज रहा था, अपना 8 हो गया, तब एक एंटीना को कितनी जगह भेजना पड़ेगा, 8 जगह भेजना पड़ेगा। तो ये कितने सिंबल भेजने पड़ेंगे एक बार में, 8 भेजने पड़ेंगे। तो अपना डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो फेस चेंज कितने कराना पड़ेगा, 45 कराना पड़ेगा। मतलब चार ओके सर एक एंटीना से 8 सिग्नल, 8 रेडिएशन करेगा एक एंटीना, 8 रेडिएशन करेगा 45 45 डिग्री के पोलराइजेशन पर, ठीक है। पर ये जब 45 डिग्री के पोलराइजेशन पे करता है, तो वो सिंबल आपस में एक दूसरे को इंटरफेरेंस करते हैं। सर देखो 90 डिग्री पे जब अपन भेजते हैं तो आपस में वो एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि 90 जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट फेस होते हैं, ठीक यस है। सर 90 डिग्री जो है वो अपोजिट होता है, कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो दूसरा वाला नीचे आ रहा होता है, ऐसा होता है ना। सर मतलब मैं इसको कहाँ बन इधर बना देता हूँ, रुको। तो 4 एंटीना तक तो इट वॉज गुड, इसलिए इसको MU MIMO बोलते थे। बट 8 एंटीना में ये और कुछ नया चीज करनी पड़ेगी, जैसे ये अपना सिग्नल है ये, ठीक है, तो ये 90 है, ये पाई बाई टू है, सर ये पाई है। तो ये क्या होता है कि 90 वाला एक दूसरे का अपोजिट चलता है ना, यस सर ये तो हाँ, वो एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल आउट कर देते। ये अगर ये वाला 90 डिग्री का ये चल रहा है, तो देखो ये वाला ऊपर जा रहा है तो ये वाला नीचे आ रहा है, फिर ये जब नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, सिंबल इंटरफेरेंस को, रेडिएशन इंटरफेरेंस को। बट 45 डिग्री में ऐसा नहीं होता है, इसलिए